गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कनेक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल। यह वीडियो क्लास फिफ्थ की हिंदी सेकंड चैप्टर नंबर टू गुरु का ज्ञान। आज इस पार्ट को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। गुरु का ज्ञान, गुरु का दिया हुआ ज्ञान, गुरु द्वारा प्रदान किया हुआ ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ रत्न है, मतलब सबसे बड़ी वस्तु है हमारे जीवन में। गायन हो या कोई और भी कला या कोई अन्य काम, जब वह निस्वार्थ भाव से बिना किसी स्वार्थ के लिए किया जाता है, तब वह अत्यधिक प्रभावी होता है और वह अपना प्रभाव सामने वाले पर डालता है। इस एक छोटी सी लघु नाटिका के माध्यम से हम दिखाएंगे या समझाएंगे कि निस्वार्थ भाव से किया गया काम अधिक प्रभावी कैसे होता है। इस लघु नाटिका के पात्र हैं बादशाह अकबर, तानसेन, संत हरिदास, कुछ दरबारी और कुछ ग्रामीण। पहला दृश्य आता है, अकबर बोलते हैं, सुनो तानसेन, मैं प्रतिदिन तुम्हारा गायन सुनता हूँ। तुम इतना सुमधुर गाते हो, इतना अच्छा और मीठा गाते हो कि तुम्हारा गायन सुनकर मेरा मन नहीं भरता। मुझे लगता है कि तुम सर्वश्रेष्ठ गायक। अकबर की बात सुनकर तानसेन बोलते हैं, नहीं महाराज, एक संत है जो मुझसे भी अच्छा गाते हैं। अकबर आश्चर्य भरे लहजे में बोलते हैं, सचमुच कौन है, क्या तुम उन्हें जानते हो? तुम उन्हें मेरे दरबार में बुलाओ। तानसेन बोलते हैं, नहीं महाराज, मैं क्या कोई भी उन्हें इस दरबार में नहीं बुला सकता। अकबर यह जान लेने के बाद भी कि उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह अकबर ने बुलाया है, फिर भी वो क्या दरबार में नहीं आएंगे? तानसेन बोलते हैं, जी महाराज, वो तब भी नहीं आएंगे। अकबर, वाह, यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो हम ही वहाँ चलकर उनका गायन सुनने के लिए आतुर हैं। तानसेन बोलते हैं, अवश्य महाराज, पर आप वहाँ हिंदुस्तान के बादशाह बनकर नहीं जा सकते। अकबर, ठीक है, मैं संगीत प्रेमी बनकर जाऊंगा और उनका संगीत सुनूंगा। यह बताओ कि वे हैं कौन? तानसेन बोलते हैं, महाराज, वो मेरे संगीत गुरु हैं। लोग उन्हें संत हरिदास के नाम से जानते हैं। उन्हें शादगी बहुत पसंद है। वे मानते हैं कि संतन को कहाँ सीखरी सो काम, यानी जिसने घर द्वार त्याग दिया है उसे मुगल साम्राज्य की राजधानी इस फतेहपुर सीकरी से क्या लेना देना, इसलिए वे यहाँ नहीं आएंगे। आपको ही वेश बदल कर वहाँ चलना होगा। अकबर, बहुत खूब, वाह, उनके कितने ऊंचे ख्यालात हैं। ख्यालात मतलब विचार, उनके बहुत ऊंचे विचार हैं और उनकी कितनी शाफगोई है। शाफगोई मतलब स्पष्ट बोलना, वो कितना अस्पष्ट बोलते हैं। हमेशा स्पष्ट बोलना चाहिए, बात को इधर उधर घुमाने से क्या मतलब है। स्पष्ट बोलना सही होता है। उनकी सोच में कितनी स्पष्टता है। मियां तानसेन, मैं यहीं से तुम्हारे गुरु को सलाम करता हूँ। तुम चलने की तैयारी करो। अब तो मैं हर हाल में उनका दीदार करना चाहता हूँ। दीदार मतलब देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। दूसरा दृश्य, संत हरिदास की कुटिया। संत आसन पर बैठे हैं, एक ओर तानसेन तानपुरे के साथ बैठे हैं, दूसरी ओर बादशाह अकबर सेवक के वेश में संगीत सुनने के लिए आतुर बैठे हैं। तानसेन कहते हैं, गुरुदेव, आपका गायन सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है, हम पर कृपा करें। हरिदास कहते हैं, तानसेन, तुम तो जानते ही हो कि मैं गायन बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। अकबर, मियां तानसेन, फिर तुम ही कुछ सुनाओ। हरिदास, हाँ, यही उचित होगा, इसी बहाने वर्षों बाद तुम्हारा गायन भी सुन सकूंगा। तानसेन बोलते हैं, जैसा आपका आदेश गुरुवर। तानसेन कई बार
गाने का प्रयास करते हैं। वे जान बूझ करके बेशुरा अलाप गाते हैं, बिना सुर के संगीत गाते हैं, गायन करते हैं, तानपुरे पर स्वर साधते हैं, फिर वही बेशुरा अलाप गाते हैं। मतलब वो जान बूझ करके अच्छा नहीं गाते हैं। हरिदास, तुम्हारा स्वर सही नहीं लग रहा है तानसेन, तुम भी चूक कर सकते हो, भरोसा नहीं हो रहा है, तुम सही स्वर लगाना कैसे भूल सक गए, रुको मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, हरिदास ने कहा। तानसेन ने उठकर तानपुरा संत गुरु हरिदास को थमा दिया, मतलब पकड़ा दिया। संत हरिदास का तानपुरे पर हस्त संचालन, मतलब हाथों से चलाना, तानपुरे को हाथों से चलाना शुरू किए और संगीत आरंभ किए। अकबर, वाह वाह, क्या कहने, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। संत हरिदास का गायन पूरा हुआ, तानसेन तानपुरा लेने के लिए आगे बढ़े। संत हरिदास बोलते हैं, पुत्र तानसेन, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरा गायन सुनने के लिए ही स्वर लगाने में भूल की थी, तुम बादशाह को हमारे संगीत को सुनाने के लिए ले आया हो ना। अकबर बोलते हैं, गुस्ताखी माफ़ हो गुरुजी, गुस्ताखी मतलब गलती माफ़ हो गुरुजी, यह मेरी ही जिद थी, मैं कैसे भी आपका गायन सुनना चाहता था, पर आपको कैसे पता चला कि मैं बादशाह हूँ। हरिदास, तुम्हारी वेशभूषा तो सेवकों की नहीं है, पर हाव भाव तो स्वामियों वाले ही हैं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मुझे आरंभ से ही संदेह हो गया था, फिर जब तुमने पुत्र तानसेन को मियां तानसेन कहा, तब मेरा रहा सहा संदेह भी जाता रहा, मतलब थोड़ा बहुत संदेह जो बाकी था वो भी चला गया। संत हरिदास कुटिया के बाहर जाने को हुए, तभी अकबर और तानसेन ने उनके सामने झुककर क्षमा मांगी और वो भी कुटिया से बाहर आ गए। अकबर, मियां तानसेन, जरा मेरे एक सवाल का जवाब देना। तानसेन बोलते हैं, फरमाइए हुजूर, मतलब बोलिए महाराज। अकबर, मियां तुम संत हरिदास जी की तरह ही मधुर क्यों नहीं गा सकते, उन्होंने तुम्हें सिखाया है, तुम उनके जितना मधुर क्यों नहीं गा सकते। तानसेन, जहाँ बना गुरु जी निस्वार्थ भाव से केवल आनंद के लिए गाते हैं और मैं स्वार्थवश अपनी आजीविका के लिए गाता हूँ, आजीविका मतलब रोजी रोटी के लिए गाता हूँ, इसलिए वे मुझसे अच्छा गाते हैं और बहुत मीठा गाते हैं। जब भी हम किसी कार्य को निस्वार्थ ढंग से करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो वह अधिक प्रभावी होता है। इस पाठ के कठिन शब्द, प्रश्न, उत्तर और शब्दार्थ ये हैं। कठिन शब्द है विराजमान, सर्वश्रेष्ठ, साफगोई, साफगोई मतलब पहले पहले बताया था स्पष्ट बोलना, गुस्ताखी, गलती, निस्वार्थ, साम्राज्य, आजीविका। शब्दार्थ में है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, साफगोई, स्पष्ट बोलना, आतुर, जानने की इच्छा, गुस्ताखी, गलती, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, ग्रामीण, गांव में रहने वाला, ख्याला, विचार, फरमाइए, बोले, आजीविका, रोजी रोटी, हस्त संचालन, हाथ चलाना। प्रस्तुत में है अकबर कौन थे, अकबर मुगल बादशाह थे। तानसेन से अच्छा कौन गाता था, तानसेन से अच्छा उनके गुरु संत हरिदास गाते थे। अकबर गुरुजी से मिलने किस वेश में गए, अकबर गुरुजी से मिलने एक सेवक के वेश में गए। तानसेन बेशुरा अलाप क्यों ले रहे थे, तानसेन संत हरिदास का गायन सुनने के लिए बेशुरा अलाप ले रहे थे। तानसेन ने गुरुजी को बजाने के लिए कौन सा वाद्य दिया था, तानसेन ने गुरुजी को बजाने के लिए तानपुरा दिया था, वाद्य मतलब यंत्र। धन्यवाद।